Subscribe to my channel and hit the bell icon so you will be notified every time I am on YouTube. हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो एक मेकअप ट्यूटोरियल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑफिस मेकअप ट्यूटोरियल एंड हाउ टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टू स्टार्ट, फर्स्ट आई नीड टू टाई माय हेयर। इस टाइम मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आई एम बेयर फेस। दिस इज़ माई मेकअप पाउच और अब इसमें से मैं वो सारे प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो आज की वीडियो के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट आई एम गोना यूज़ लाइक मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। इसको मैंने एक छोटे से टब में निकाल लिया है क्योंकि जो इसका एक्चुअल टब आता है वो ट्रेवल फ्रेंडली नहीं है। यू कैन यूज़ एनी मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है। डायरेक्ट बीबी क्रीम या फाउंडेशन आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है क्योंकि मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। नाउ यू कैन सी मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई कर ली है और मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुका है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग इट्स स्किन बीबी क्रीम, इट्स स्किन प्रेस्टीज बीबी क्रीम। ये कोरियन ब्रांड है और मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। ये एक ट्यूब टाइप की पैकिंग में आता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इसमें पम्प भी है। सो आई एम गोना यूज़ 1.5 पम्प। इसको मैं इवनली अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी। नेक पे भी ज़रूर अप्लाई करना है, नहीं तो नेक और फेस में डिफरेंस दिखता है। डेली फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहिए, बट यू कैन यूज़ बीबी क्रीम डेली। फाउंडेशन से आपकी स्किन काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है, सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस। आप देख सकते हो अच्छे से मेरे पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग लॉरियल ब्राउ आर्टिस्ट टू एनहेंस माई ब्राउज। इसके साथ इसका ब्रश भी आया था बट वो खो गया मुझसे, सो आई बॉट अनदर एंगुलर ब्रश। इसी टाइप का एक ब्रश इसके साथ आया था तो मैं इस ब्रश को यूज़ करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है और फिर भी आप चाहते हो कि आपका फेस अट्रैक्टिव लगे तो आप अपनी ब्राउज़ को एनहेंस कर सकते हो। ब्राउ एनहेंस करने से आपका ओवरऑल फेस बहुत अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट आई एम गोना यूज लाइक मे आइकॉनिक काजल टू फिल माई लोअर वाटर लाइन। Now I'm using Lakme Absolute Shine Line Eyeliner to outline my upper lash line. नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन आई स्टूडियो जेल आई लाइनर टू आउटलाइन माई लोअर लैश लाइन। For my lips, I'm using NYX Exotic Lip Shade. This is my favorite lip shade for office.
ये मैट लिप शेड है, सो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड बेबी लिप्स. इसको लगाने से पहले मैंने बेबी लिप्स लगा लिया था अपने लिप्स पे, सो आई एम अप्लाइंग इट ओवर द बेबी लिप्स, जिससे कि बहुत ज़्यादा मैट नहीं रहे, क्योंकि मुझे थोड़े ग्लॉसी लिप शेड्स पसंद हैं. नाउ इट्स टाइम टू सेट माई हेयर. सो मैंने अपने दोनों क्लचेस निकाल दिए हैं और मैं अपने हेयर को अच्छे से कोम कर लूँगी. सबसे पहले आई लाइक साइड पार्टिंग, अगर आप चाहें तो सेंटर पार्टिंग भी कर सकते हैं. Now I'll tie both the sections of my hair with these clutches, tiny clutches. Last but not the least, I'm wearing these very pretty white loops to complement my dress. And I'm ready for office. So ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू गाइज डिड देन स्मैश द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. यू गाइज कैन क्लिक हियर एंड डायरेक्टली सब्सक्राइब टू माई चैनल. यू गाइज कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम. लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.